Hello, you guys. Welcome or oh, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another Amazon haul video. This haul video make some random things that I found really necessary for winter, like socks, leggings, thermals, jackets, and all. Let's start with this haul video. But before we do that, please, please, please subscribe to my YouTube channel. It really does help my channel, and hit that notification bell if you haven't already.

बाहर की कंट्रीज से थे यहाँ पर मैंने इन्हें बहुत ढूंढा था सभी साइट्स में चेक किए मुझे कहीं पर भी नहीं मिले फाइनली आई फाउंड इट ऑन एमेजॉन सेम लेगिंग्स फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है सेम सेलर और सेम प्राइस में आई विल बी कम्पेयरिंग दिस टू लेट्स गो इन डिटेल फर्स्ट आई वे टॉक अबाउट प्राइस इन लेगिंग्स के कम्पेयर में इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा इट्स एटीन हंड्रेड सॉरी नाइनटीन हंड्रेड रुपीज ये आपको सिक्स फिफ्टी और उससे कम मिल जाएंगे दोनों लेगिंग्स अंदर से बिल्कुल सेम ही है नीट फैब्रिक विथ फ्लीस इन तो फ्लीस फैब्रिक जो रहता है इट इज वेरी सॉफ्ट उ लाइट वेट एंड किप्स यू वेरी वॉन्ग इन दोनों में भी फ्लीस मटेरियल है बट द बिग डिफरेंस इज की इसके अंदर जो फ्लीस है ना ये थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस विन क्योंकि ये काफी थिक मटेरियल है फ्लीस ज्यादा और थिक मटेरियल होने की वजह से ये आपको ज्यादा वार्मेगा एस कम्पेयर टू दिस इन लेगिंग्स को मैंने लास्ट विंटर पहना यहाँ पर गुड़गांव में डिसम्बर जनवरी वाली जो कड़ाके वाली ठंडी रहती है उस टाइम पर मैंने इसे पहना और मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है बाहर जाते हुए ना सिर्फ ये लेगिंग्स मेरे लिए ले इनफ नहीं थे तो मैं इसके ऊपर स्किन फिट जीन्स पहन रही थी एक और लेयर एड करके जीन्स का ट्राउजर का या फिर कोई भी उसके बाद ये आपको बहुत वार्म रखेगा सिर्फ ये अकेली चीज अगर आप पहन रहे हो तो इट वॉन्ट कीप यू दैट वॉर्म ये थिक मटेरियल होने की वजह से आई होप कि मुझे इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि मैंने इन्हें लिया है स्कर्ट्स और ड्रेसेस के अंदर पहनने के लिए सो so दैट वो एक फेक स्टॉकिंग इफेक्ट देगा <laughs> एक और डिफरेंस जो है ये न्यूड वाले लेगिंग्स ना नीचे से ऐसे बंद है यहाँ पे और ये वाले जो नॉर्मल लेगिंग्स रहता है नीचे से ओपन है दोनों भी लेगिंग्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये थोड़ा थिन मटेरियल है तो इसके ऊपर आप स्किनी फिट जीन्स पहन सकते हो इसके ऊपर भी आप स्किनी फिट जीन्स पहन सकते हो पर जब मैंने पहना ना तो मुझे उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था इसके ऊपर आप कोई भी ओवर साइज या फिर लूज फिटेड बॉटम वेयर पहन सकते हो लाइक like ट्राउजर्स मैं दोनों भी लेकिन सजेस्ट करूंगी प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है बट येस इनमें क्वालिटी है ये थोड़ा थिक मटेरियल है ज्यादा वॉर्म रखेगा बट स्टिल फॉर नाइनटीन हंड्रेड रुपीज आई थिंक इट इज ओवर प्राइस पर हो सकता है कि प्राइस ज्यादा है क्योंकि दिस आइटम इज नॉट इजिल अवेलेबल तो अगर आप में से किसी को पता है ऐसे लेगिंग्स कम प्राइस में है अवेलेबल प्लीज लेट इस नो अगर आपको लगता है कि लेगिंग्स आपके इस विंटर में काम आएंगे तो देन गो फॉर या तो फिर दूसरा ऑप्शन आप इन लेगिंग्स के ऊपर स्टॉकिंग्स पहनकर बिल्कुल ये सेम ही दिखेगा सेम ही तरीके से आप इन्हें पहन सकते हो या फिर इन्हें ब्लैक कलर में लेकर आप सेम ही यूज में इसे ला सकते हो ये दोनों भी चीजें बहुत सही है विंटर्स के लिए मुझे आइटम्स लगे like. मुझे पर्फल जैकेट बहुत ज्यादा पसंद है शायद मैंने सौ बार बोल दिया अभी तक मेरे वीडियोज में सो फर्स्ट दिस ऑरेंज पर्फर जैकेट फ्रॉम एमेजॉन ब्रांड सिम्बल फॉर वन थ्री एट नाइन साइ स्मोल बेस्टर लिस्ट में विद टन ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज दे हैव स अवेलेबल मैंने पहले ये ग्रे कलर ट्राई किया था पर ना ये मुझे बोरिंग लगा तो फिर मैंने वेरी कंफर्टेबल एंड लाइट वेट मैं खुद तो बहुत ज्यादा ठंडी में इसे नहीं ट्राई कर पाई क्यूँकी फिलहाल उतनी ज्यादा ठंडी नहीं चल रही है बट मैंने रिव्यूज देखे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मैंने देखे इस जैकेट पर जो बोल रहे थे की ये जैकेट आपको एक्सट्रीम ठंडी में काफी वार्म रखता है जितना भी टाइम मैंने इसे पहन कर देखा ये मुझे बहुत वार्म लगा दिस जैकेट कम्स विद दिस हुड एंड इट सो क्यूट इसके सामने ये ये सिंथेटिक फर जैसा मटेरियल है इट इज सॉफ्ट पर बेटर हो सकता था बट बट इट्स फाइन दोनों भी साइड में से पॉकेट्स है अंदर से लाइनिंग है और अंदर भी ना इसे दो पॉकेट्स है सॉरी एक ही है शायद एक ही साइड में से ये पॉकेट है अंदर से तो साइज स्मॉल में ये जैकेट मुझे फिटेड लुक दे रहा है मुझे ये स्लीव्स में भी ना थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है मतलब थोड़ा सा टाइट मुझे ना थोड़ा वो रिलैक्स्ड फिट चाहिए था तो so, शायद साइज मीडियम मुझे वो कंफर्टेबली फिट हो जाएगा आई विल सजेस्ट यू गो वन साइज अप इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट रिलैक्स्ड एंड ओवर साइज लुक इसका लेंथ भी थोड़ा लंबा है ये ऑलमोस्ट हिप्स तक आ रहा है आई थिंक पर्फर आर प्रैक्टिकल एंड नेसेसरी फॉर विंटर आई मीन यू कैन शो ऑन टॉप ऑफ एनी थिंग यू हैव डिसक सो कोल्ड दिस पर्फर इज रियली गुड क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे लगा लुक स्टाइलिश यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट फॉर एक्सट्रीम दूसरा पर्फर जैकेट है फ्रॉम दिस ब्रांड नोटी फोर रुपीज ट्रिपल नाइन साइज स्मॉल था <laughs> दे है और मुझे ना वो थोड़ा सा हुड दिया हुआ है पर ये डिटेचेबल नहीं है सामने से सेम फारी मटेरियल है इसका भी कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ब्यूटीफुल ऑलिव कलर और इनर लाइनिंग इस बर्गन या मरूनिश कलर का है फ्रंट में दो जिपर पॉकेट है इसे भी अंदर से एक साइड में एक

फिलहाल मुझे नहीं पता इतना महंगा क्यों दिखा रहे हैं एंड इट्स नॉट इवन वर्थ इट इट्स टू मच मैं इस कोट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इट्स ए लाइन कोट इसका ग्रीन कलर मुझे सच में में बहुत अच्छा लगा लुक वाइज इट इज क्लासी एलिगेंट पॉजिटिव साइड ये मटेरियल काफी सॉफ्ट है वुलन के जैसा मुझे लगा बट इट इज पॉलियास्टर ब्लैंड नेगेटिव साइड में ये बहुत ही पतला सा मटेरियल है आसानी से मैं मेरे रिंग लाइट देख पा रही हूँ इसके अंदर कोई लाइनिंग भी नहीं दिया हुआ है ये मटेरियल मुझे वार्म लग रहा है बट पतला सा मटेरियल है तो मैं श्योर होकर नहीं बता सकती हूँ की एक्सट्रीम विंटर्स में

फोर डबल नाइन साइज स्मॉल इस स्वेटर की तो मैं फैन हो गई हूँ सबसे पहली बात तो ये कलर मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया क्वालिटी वाइज तो डैम इट्स हाई क्वालिटी मटेरियल बहुत सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल इट्स यू वार्म एंड लुक सो क्यूट इट्स लिटल ओवर साइज स्वेटर एंड साइज स्मॉल फिट्स ग्रेट ये थोड़ा सा ओवर साइज है ना तो इसके अंदर आप कोई टर्ट लेक भी पहन सकते हो मैंने इसे स्कर्ट और जीन्स के साथ एक क्विक आउटफिट के लिए बुलाया था मेरे पास एक भी छोटी सी नेगेटिव चीज नहीं है इसके लिए आई एम सो हैप्पी विद दिस वॉच

ऐसा मैंने कुछ नोटिस नहीं किया यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है इसीलिए मैंने इसे पजामा के अंदर पहनने के लिए बुलाया है क्योंकि तो बहुत कंफर्टेबल है पतला सा मटेरियल है तो एक एक्स्ट्रा लेयर अगर मैं ऐड करूंगी तो ये मुझे और वार्म रखेगा इनका फिट अच्छा होने की वजह से से मैं इसके ऊपर आसानी फिट जींस पहन सकती हूँ बाकी एक्सट्रीम विंटर्स के लिए आई डोंट थिंक ये उतना काम करेगा अगर आपको आपके कपड़ो के अंदर कोई एक्स्ट्रा लेयर एड करनी है तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन नेक्स्ट आई हैव सॉक्स विंटर्स में

बट एक्सट्रीम विंटर्स में ये सॉक्स आपको वार्म नहीं रखेंगे मैंने इन सॉक्स को ना स्लीपर्स के साथ पहनकर देखा है घर में और मुझे ये उतने ज्यादा वार्म नहीं लगे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसके ऊपर और एक लेयर चाहिए तो मैंने इन्हें घर में पहनना बंद कर दिया है पर जब मैं बाहर जा रही हूँ बाहर जाते हुए मैं इन्हें बूट्स के साथ पहन रही हूँ यूजली सॉक्स का मटेरियल थिक रहता है ना तो उसके ऊपर बूट्स पहनने के बाद बूट्स थोड़े बूट्स थोड़े टाइट हो जाते हैं ये सॉक्स थोड़े थीन और स्लिक है ना इसलिए इसके ऊपर मुझे बूट्स पहनना आसान लगा इट इज स्ट्रेचेबल मटेरियल पर बहुत ज्यादा नहीं है सबसे पहली बार इसे पहनते हुए ये मुझे थोड़े से टाइट लगे कुछ टाइम पहनने के बाद ये लूज हो me, अगर इससे तो ज्यादा है तो शायद ये आपको टाइट हो जाएगा मैं इन सॉक्स को रेकमेंड करूंगी बट नॉट फॉर एक्सट्रीम विंटर्स दूसरे सॉक्स जो है दिस आर प्राइस थोड़ा महंगा है बट फॉर एक्सट्रीम विंटर्स दिस विल की थिक फैब्रिक है क्वालिटी इनका बहुत अच्छा है ये काफी स्ट्रेचेबल मटेरियल है तो इनमें साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन्हें मैं घर में पहन रही हूँ स्लीपर्स के साथ मुझे ये बहुत वार्म लगे तो इन सॉक्स को मैं एक्सट्रीम विंटर्स के लिए रेकमेंड करूंगी एंड आई डेंट नो कि सिर्फ सॉक्स का रिव्यू भी इतना लंबा हो जाएगा And that is it for today, you guys. एक और Amazon का वीडियो आने वाला है शायद वो next week में post करूंगी उस वीडियो में ज्यादा तो sweaters ही रहेंगे You can buy all these products from Amazon. इनकी links मैं नीचे description में दे दूंगी Please give this video thumbs up if you find it helpful. And yeah, I will see you guys very soon in the next video. Thank you so much for watching. Bye.